देखिए फ्रेंड्स, मनरेगा में एक जब हम किसी ऑनगोइंग काम की सीसी करते हैं, और जब मनरेगा में कोई काम की हम सीसी करते हैं और उसके बाद लास्ट स्टेप में जाके डन करते हैं, तो मल्टीपल एसेट डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड, यानी कि इस प्रकार का मैसेज आता है, तो इसका मतलब ये होता है गाइस कि फाइनली हमारी सीसी डन हो गई है। और यदि यहाँ पर कोई मैसेज आता है दूसरा गाइस कि आपकी मस्टर पेंडिंग है, या फिर मस्टर को आपको फिल करने का मैसेज आता है रेड कलर से, जो कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले यहाँ पर उसका लिंक दिख रहा है, इस वीडियो को आप सबसे पहले देख लीजिए, तभी आपको सारी डिटेल जो है वो क्लियर समझ में आ पाएगी। तो इसके बाद गाइस क्या करना होता है आपको कि इस काम में जो भी मस्टर पेंडिंग है तो उसकी आपको पेमेंट कराना होता है। यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज इसलिए दिखता है गाइस, एक कारण तो हो सकता है कि आपकी वो मस्टर ऑनगोइंग हो और उसका आपने पेमेंट अभी वेजलिस्ट जनरेट नहीं किए हो, एक कारण ये भी हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि इसमें काफ़ी समय से आपने मस्टर जारी न करवाया हो और किसी श्रमिक का की जो पेमेंट है वो रिजेक्ट हो गई हो गाइस, और रिजेक्ट होने के की वजह से ये रेड कलर का मैसेज वहाँ पर शो हो रहा हो, सीसी नहीं हो पा रही हो। तो आपको उसकी वेजलिस्ट को फिर से पेमेंट के लिए कैसे सेंड करना है, आप ये अपने ग्राम पंचायत लेवल के आईडी पासवर्ड से ही डेटा एंट्री से कर सकते हैं ये काम। तो चलिए हम मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार का लाल मैसेज आता है यदि आपके आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे, तो आप उसे कैसे क्लियर करेंगे। आपको फिर से वेजलिस्ट पेमेंट के लिए अपने जनपद पंचायत में सेंड करनी होगी गाइस, जनपद के लॉगिन में। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं प्रोसेस कि आप फिर से वेजलिस्ट को कैसे पेमेंट के लिए सेंड करेंगे। इसके लिए हमें गाइस लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके सर्च में आप नरेगा टाइप करके सर्च कर देंगे। जब आप नरेगा टाइप करके सर्च करेंगे गाइस, तो इस तरह से आपके सामने नरेगा डॉट एनआईसी डॉट आईएन वाली पहली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो सिंपली आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर कर देना है क्लिक। जब आप इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नरेगा की ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाएगी। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आप देख सकते हैं गाइस, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन यहां पर दिखाई देगा क्विक एक्सेस वाला। तो सिंपली आपको इस क्विक एक्सेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है गाइस, पंचायत जीपीपीएस जेडपी लॉगिन वाला। तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का के तीन ऑप्शन आएंगे, तो आपको इस ग्राम पंचायत वाले ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करना है, ग्राम पंचायत वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इस डेटा एंट्री वाले ऑप्शन को गाइस सेलेक्ट करना है, सबसे फर्स्ट वाला। तो चलिए हमने डेटा एंट्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप इंडिया के जिस भी स्टेट में रहते हैं आप अपना स्टेट यहाँ से गाइस सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ग्राम पंचायत आती है गाइस, या फिर जिसका भी आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहां से सिंपली जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे गाइस। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहां से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद जब आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है। उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप करने के बाद इस वाले कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर से आप देख सकते हैं गाइस, इसके बाद आपको सिंपली इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। तो चलिए हम इतनी डिटेल फिल कर लेते हैं और उसके बाद फाइनली हम लॉगिन करके आपको आगे के प्रोसेस पे सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपकी मस्टर गाइस जो भी ईयर की है, जैसे 2016-17 या फिर पुराने जिस भी वर्ष की आपकी मस्टर जारी हुई है, तो वो सारी मस्टर यहाँ पर शो हो जाएगी गाइस, बशर्ते कि उसकी पेमेंट जो है वो रिजेक्ट हुई हो। तो आपको क्या करना है, इस D7 में यहाँ पर इस वेजलिस्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइज हमें जो भी पेमेंट रिजेक्ट होती है तो उसकी वेजलिस्ट को दोबारा जनरेट आपको नहीं करना होता है गाइज। आप डायरेक्ट कहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डायरेक्ट आप यहाँ पर सेकेंड वाला एड पेमेंट डिटेल्स टू वेजलिस्ट एंड सेंड वाले में। तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक। जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एरर सीजन एक्सपायर का आ गया गाइस, हमें दोबारा यहाँ पर लॉगिन करना होगा। चलिए हम फिर से एक बार और हम यहाँ पर ऐड पेमेंट डिटेल्स टू वेजलिस्ट एंड सेंड वाले ऑप्शन पे करते हैं क्लिक। तो चलिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सेंड वेजलिस्ट फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है,
और जिस भी ईयर की आपकी बेज लिस्ट है गाइस, यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम जैसे आप 2016-17 यानी कि 17-18 की मस्टर की पेमेंट रिजेक्ट हुई है गाइस, तो इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो भी बेज लिस्ट यहाँ पर सेंड हुई होगी या जो भी बेज लिस्ट पेंडिंग होगी वो आपको यहाँ पर देखा जाएगी गाइस। जो भी बेज लिस्ट आपकी पेमेंट के लिए यहाँ पर पेंडिंग होगी वो यहाँ पर बेज लिस्ट नंबर पे आपको क्लिक करके शो हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर पूरी पेमेंट क्लियर कर दिया है गाइस, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रही है। उसके बाद जब आप इस बेज लिस्ट नंबर पे आप क्लिक करेंगे और बेज लिस्ट नंबर पे क्लिक होगा तो आपको फाइनली यहाँ पर बेज लिस्ट की डिटेल आ जाएगी। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको दो आएगा, एक ऑप्शन आएगा CH, एक आएगा आपको जो है वो चेक वाला ऑप्शन। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ गाइस, एक आएगा आपके सामने चेक वाला ऑप्शन और एक आएगा आपके सामने PFMS। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके गाइस सिंपल यहाँ पर सेंड फॉर जो है वो पेमेंट के लिए आपको जो है वो क्लिक कर देना है गाइस। सेंड फॉर पेमेंट यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेंड फॉर पेमेंट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये बेज लिस्ट जाके गाइस आपके जनपद पंचायत में शो होने लगेगी। और उसके बाद जब आपके सीईओ साहब और EO साहब की DHC से उसके का FTO हो जाएगा गाइस, तो FTO होने के बाद आप उस काम की CC का, इस बेज लिस्ट का FTO होगा गाइस, आप तुरंत CC कर दीजिएगा तो उस काम की फाइनली CC हो जाएगी गाइस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और कि आप किसी भी मस्टर में रिजेक्ट हुई पेमेंट की आप फिर से बेज लिस्ट आप पेमेंट के लिए कैसे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप इस लॉग आउट वाले ऑप्शन पे कर देंगे क्लिक। उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा।